ये है मेरी मशीन और औरंगाबाद से सोलापुर का सफ़र यहाँ तक अब हुआ एंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब छोड़ के नहीं, यहाँ से दूसरी साइड में जा रहा हूँ, सोलापुर जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी ट्रेवल्स का पता करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि ये सर हमको छोड़ने जाएंगे, लालो खाना खा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। फाइनली फ्रेंड्स, अब हमें सर बोलेरो में बिठा के छोड़ने जा रहे हैं ट्रेवल्स के पास, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बस रुकी थी और मैंने खरीदा है चॉकलेट। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या ये ट्रेवल्स में मैं आया हूँ और ये सुबह के लगभग 6 बजे छोड़ देगी, तो वीडियो में आप बने रहिए एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:10 हो रहे हैं और मैं आ चुका हूँ सोलापुर। अभी ट्रेवल्स मुझे उतार रही है इधर और मैंने कंपनी के सर को कॉल कर दिया है। सर थोड़ी देर में आने वाले हैं और कंपनी कैसी क्या है वहाँ जाके सब पता लगेगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये देख सकते हो सोलापुर का नज़ारा, बसें बहुत सारी लगी है, बट अपने लिए गाड़ी आ रही है इसलिए बस में नहीं बैठ सकते। दोस्तों, आप देख सकते हैं मुझे लेने के लिए सोलापुर में बोलेरो आ चुकी है और फ्रेंड्स, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, रूम अपना देखेंगे। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अपने मेन स्थान पे और ये मल्टियाँ है बिल्डिंग है, इसमें रूम है ऑक्टर लोगों का। ये इधर मैंने रूम के अंदर, ये रूम आप देख सकते हो, मैंने अपना बैग इधर रख दिया और इधर सोने की व्यवस्था है जो भी है। अभी फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर मशीन पे जाना है, मशीन में दिखाऊंगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मुझे यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा लगा, बिल्डिंगें बहुत सारी है, बहुत ऑसम प्लेस है, रील बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो वो रूम में मैं रहता हूँ वीडियो में। तो गाइस, फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है मशीन पर और आप देख सकते हो मशीन कमस्त चुकी है और गाइस, इसमें दाँता नहीं थे तो मैंने अभी 2 नए दाँते लगाए हैं इस मशीन में। मशीन की कंडीशन आप देख सकते हो, पुरानी मशीन है, 9000 चली हुई है, कमस्त चुकी है। और गाइस, आते से ही पहले तो इसमें ग्रीस वगैरह तो कुछ नहीं हुआ था, अभी ग्रीस करना बाकी है। और एक बुरी बात और बुरी खबर यह है कि मेरे पास हेल्पर नहीं है, जो भी करना है सिर्फ मेरे को अकेले को करना है। और इसमें क्या है, हाइड्रोलिक ऑयल कम था तो इसको खोलने में बहुत परेशानी आई, इसलिए गोटी पाना और रिंग पाना दोनों लेके आया हूँ और ये जो हाइड्रोलिक ऑयल इसमें डालना है। तो देख सकते हो ये है मेरी मशीन और औरंगाबाद से सोलापुर का सफ़र यहाँ तक अब हुआ एंड। तो भाई, सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल पर आएँ, और जिसको घर पे बैठे हैं खाली हैं वो मैसेज करें, कमेंट करें, उनको मशीन की जुगाड़ करवाऊंगा। पोस्ट खाली है कहीं भी, जहाँ पे मुझे पता रहेगा मैं उनको जरूर भेजूँगा, सपोर्ट करूँगा। तो गाइस, ओके बाय, अब मैं अपना काम करता हूँ।